घर पे आप लोग सब प्रैक्टिस भी किए होंगे, जो भी मैंने दो वीडियोस में डाला आपको उससे इंस्पायर्ड होके कुछ ना कुछ तो आपने घर बैठे ज़रूर किया होगा। होप इसी उम्मीद को लेकर मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, स्पेशली सम ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट्स टेलिंग मी कि मैम कुछ अच्छा सिखाइए, कुछ अच्छे से ड्राइंग्स की बारे में बताइए। तो आई एम गिविंग यू सो मच वीडियो, नाउ दिस इज़ माई थर्ड वीडियो, एंड जिसमें मैं आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको अपना जो स्केचिंग को इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट डे स्टेप वॉज स्केचिंग करने से पहले आप अपनी लाइन ड्राइंग को इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव योर लाइन ड्राइंग। और उन लाइन ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी रफ पेपर पे खूब सारी लाइंस को स्केच कीजिए, और जितना जितना आप स्केच को इम्प्रूव करते जाएंगे, जितनी जितनी लाइंस बनाते जाएंगे, आपके हाथ में एक फ्लो आ जाएगा, और जब वो फ्लो आ जाएगा तो आप किसी भी चीज़ पे ड्राइंग आराम से आसानी से कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक स्टेप। द सेकेंड डे स्टेप वॉज कि आप जो ड्राइंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं कि बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के ड्राइंग में होता क्या है आप आगे बढ़ जाओ। खाली कॉपी करना, कहीं से किसी चीज़ को देख कर बनाना इज़ नॉट अ ड्राइंग, ठीक है। उसको समझना भी चाहिए। जब हम किसी भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वहाँ की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, हमारे आसपास क्या है, आसपास जहाँ हम घर में रहते हैं। और ये तो भाई लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको घर में रहने के लिए बोला जा रहा है। अब उस लॉकडाउन के पीरियड में, पैंडेमिक पीरियड में, हम ज़्यादा समय अपने घर पे रहते हैं, इवन ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे घर पे ही चल रही है। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम आर स्टडी टेबल एंड वी कैन टेक इन आर हैंड अ सिंपल इरेजर, शार्पनर, स्टेपलर, जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं, दीज आर कॉल्ड स्टिल लाइफ। जो स्टिल लाइफ है वो हमारे आसपास जो रखी हुई बेजान चीज़ें हैं उनको कहते हैं। और वी कैन स्टार्ट अवर थर्ड डे ड्राइंग या थर्ड डे बेसिक स्केचिंग स्टार्ट। आप पेंसिल को हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो एक टेप लीजिए और उससे पेंसिल को यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। देन यू टेक योर पेंसिल, फर्स्ट यू ड्रॉ, यू कैन यूज योर स्केल, इट्स अ वेरी सिंपल फिगर। पेंसिल का बहुत ही सिंपल सा फिगर होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक शैडो नजर आ रहा है, यहाँ पीछे की तरफ जिस जगह ये पेंसिल है, इसको 3D इफेक्ट भी देना है हमें, तो हम जो उसका शैडो दिखाई दे रहे हैं उसको भी ड्रॉ करेंगे। जब भी हम स्टिल लाइफ बनाते हैं उसमें हमें 3 टोन्स का यूज़ करना होता है,
थ्री टोन्स इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा डार्क लाइन, मिडिल लाइन और सबसे ज़्यादा लाइट। तो हमें सबसे ज़्यादा डार्क लाइन जो दिखाई दे रही है वो है ये, तो वी विल इम्प्रूव दिस लाइन जिससे उसमें एक डेप्थ आने लगे। इन दिस पेंसिल वी विल इम्प्रूव डार्कनेस, यू कैन सी दिस। This is darkest tone which I am showing you। ये मैं इसका शेडो बना रही हूँ। Now you improve this line. Bottom line. Share your experience with me with the comment box and like and share my channel. Thank you for watching me. And keep practicing. All the best.